गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? बढ़िया हो? वेरी गुड, मैं भी बढ़िया हूँ। तो बच्चों, इससे पहले हमने कुछ सीखा था, तो हमने क्या सीखा था? तो हमें हमारा जो पार्ट पांचवा था उसमें हमें छोटे उ की मात्रा की पहचान की थी, छोटे मात्रा का अध्ययन किया था।
सीखना है, ये तो आपको मालूम है। हाँ, और इन शब्दों में दो वर्ण के शब्द, तीन वर्ण के शब्द और चार वर्ण के शब्द होते हैं, लेकिन दो वर्ण के शब्द बहुत आसान होते हैं और चार वर्ण के शब्द बहुत कठिन होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। चार वर्ण के शब्द भी आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान पूर्वक ये बात देखनी चाहिए कि हमारी मात्रा कहाँ पे है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो हमारा पहला शब्द है फूल। कौन सा शब्द है हमारा? फूल। तो फूल शब्द फो को बड़े उ की मात्रा लगाई हुई है और ल है, तो ये बन जाएगा फूल, ठीक है। उसके बाद है धूल, उसके बाद है धूप। बात हम कुछ
बढ़िया मजेदार है ये कहानी। तो देखो एक भालू था, तो भालू का नाम क्या था? कालू। ठीक है, उसके बाद वो कालू जो था, कालू नाम का जो भालू था, उसने क्या किया था? वो आलू चुराकर खाता था। क्या क्या खाता था वो? आलू चुराकर खाता था। आलू यानी कि पोटैटो, और मूली मूली यानी कि रेडिश, आपको मालूम है? हाँ। तो वो आलू चुराकर या मूली चुराकर खाता था। तो आलू और मूली कहाँ पे आते हैं, कहाँ उगते हैं? तो वो खेत में रहते हैं। ठीक है, तो वो खेत में जाकर क्या करता था? वो चुराकर खाता था। एक दिन क्या हुआ, ये कालू जो है, कालू नाम का भालू, वह इस तरह से आलू और मूली चुराकर खा रहा था। तभी क्या हुआ, वहां पे लालू नाम का किसान आ गया। ये जो आदमी दिखाई दे रहा है वो है लालू, और वो है किसान, यानी कि उस खेत का कौन है? वो मालिक है। वह खेत लालू का है, वह खेत लालू का है। और लालू देखता है कि ये कालू भालू जो है, ये भालू वो क्या कर रहा है, हमारे खेत में से मूली निकालकर आलू निकालकर खा रहा है। तो किसान को गुस्सा आता है और वह उस भालू को पकड़ने के लिए और उसको अच्छे से सबक सिखाने के लिए उसके पीछे भागता है। तो ये देखते ही, किसान को देखते ही ये जो भालू है वो क्या करता है, भाग जाता है, दुम दबा कर भाग जाता है। तो दुम दबा कर भाग जाना यानी कि तेजी से दौड़ जाता है, तेजी से भाग जाना। ठीक है, तो बच्चों वह दुम दबा कर भागता है। तो वो इतना दूर भागता है कि अभी उसको किसान दिखाई दे नहीं दे रहा है। तो वो वहां पे अच्छे से रुकता है और उसके हाथ में जो मूली होती है वो करके खाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, शाम होती है, और शाम होने के बाद सूरज ढलता है, यानी कि सूरज डूब जाता है। तो सूरज डूबने के बाद क्या होता है, अंधेरा आ जाता है सभी तरफ। हाँ, तो शाम जब होती है तो अंधेरा छा जाता है और सूरज डूबने से शाम होती है। हाँ, तो शाम होने के बाद ये कालू नाम का भालू और लालू नाम का किसान दोनों अपने घर में चले जाते हैं। तो बच्चों कैसे लगी आपको कहानी? बहुत बढ़िया है ना? हाँ, तो यह कहानी जो है ये आपको दो बार अच्छे से पढ़नी है और अपनी माँ को ये अच्छे से सुनानी है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद का जो अभ्यास है वो हम बाद में करेंगे। तो बच्चों आज हमने हमारा पाठ नंबर 6 यानी पाठ नंबर 6 बड़े उ की मात्रा का अध्ययन किया। हमने आज बड़े उ की मात्रा की पहचान की। इस मात्रा का इस्तेमाल हम किस प्रकार कर सकते हैं इसका हमने अध्ययन किया। ठीक है बच्चों, आप सभी घर में रहो, सुरक्षित रहो और अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।